सो अभी तक हमने देखा था कि बेसिक से टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं और हमने देखा कि ट्रेडिंग के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम खुद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो कहते हैं कैंडल्स। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप कैंडल्स देखेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ट्रेडिंग कर सकें। सो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसको देखिए, कैंडल के चार कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला कंपोनेंट अगर मैं बात करूँ तो ओपन टाइम फ्रेम होता है हर कैंडल का। ये जो कैंडल है बनी हुई है, ये एक टाइम की कैंडल है। हो सकता है वो 15 मिनट की कैंडल हो सकता है वो आधा घंटे की कैंडल हो सकता है, एक दिन की कैंडल हो सकता है वो 1 मिनट की कैंडल हो। डिपेंड करता है अलग अलग उसकी टाइम फ्रेम क्या है। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि 9:15 पर कैंडल बनी है, 9:15 से लेके 15 मिनट की कैंडल है ये, 15 मिनट्स की, एंड 9:15 पे कैंडल का ओपन होगी, ठीक है, एंड 9:30 तक आपकी कैंडल रहेगी। सो इस टाइम पे जब ओपन प्राइस होता है, जो प्राइस आपका 9:15 पे प्राइस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ओपन प्राइस। क्लोज प्राइस वो होता है जो 9:30 पे आपका जो प्राइस होता है इस कैंडल का वो होता है। और ड्यूरिंग द आप जो भी इस 15 मिनट के अंदर, 9:15 से 9:30 के बीच में जो भी आपका ऊपर नीचे प्राइस होता है, उसमें ऑब्वियसली कहीं पे प्राइस हाई जाएगा कहीं पे प्राइस लो जाएगा, तो वो आपका लो एंड हाई होता है। सो किसी हर कैंडल में चार कंपोनेंट्स हैं, ओपन, लो, हाई, क्लोज। अगर मैं बात करूं ये 15 मिनट की कैंडल है, अगर ये कैंडल होगी 30 मिनट्स की तो क्या होता है, 9:15 से 9:45 पे, तो ओपन प्राइस कितना 9:15 पे, क्लोजिंग प्राइस कितने होता है 9:45 पे, और ड्यूरिंग द 9:15 से 9:45 के बीच में जो भी हायर लो बनता है वो हायर लो प्राइस होता है। सो अगर हम देखें एग्जांपल लेते हैं, ये लो इसने मारा 100 का, ये प्राइस है। अब मुद्दा आता है कि ग्रीन कैंडल कब बनती है और रेड कैंडल कब बनती है। सो हम ग्रीन कैंडल को देखते हैं पहले। जब भी ओपन का प्राइस क्लोजिंग के प्राइस से छोटा होता है, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो 9:30 का एग्जांपल में आप याद रखिए, हम जो कैंडल ले रहे हैं 15 मिनट की कैंडल है जो कि 9:15 से 9:30 के बीच में, 9:30 AM के बीच की जो कैंडल है वो है, किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है, हम लोग इसका लिया हुआ है। तो ओपन जो प्राइस आया आपका वो 9:15 पे और जो क्लोज है वो 9:30। अगर 9:15 का प्राइस जो है वो क्लोजिंग प्राइस है, लेकिन 9:30 के प्राइस से छोटा है, तो बनेगा ग्रीन कैंडल। लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक ये है कि 9:15 से 9:30 तक जो बायर्स थे, बुल हमने देखा था, वो जीत गए। 9:15 पे जो प्राइस था उससे ज्यादा है 9:45 का, 9:30 का प्राइस, तो ये बनेगी ग्रीन कैंडल। करेक्ट, सिंपल सा है। यहाँ पे बुल जीत रहे हैं, इस 15 मिनट के दौरान पे बुल जीत रहे हैं तो आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर बियर्स जीत रहे हैं यानी कि मंदेड़ी वाले लोग जीत रहे हैं तो रेड कैंडल बनेगी। ये देखिए 90 रुपीज का प्राइस ये ओपन हुआ, ये प्राइस है आपका 9:15 का, करेक्ट, 92। ड्यूरिंग द डे हो सकता है उसने लो मारा हो सकता है उसने हाई मारा हो, ड्यूरिंग द 9:15 to 9:30 के बीच में, तो ये ओपन हो गया और लो मारा उसने 90 रुपीज का, देन उसने हाई मारा है 90 100 रुपीज का और 96 रुपीज पे क्लोज हुआ। ये टाइम है आपका 9:30 का, ये है 9:15 का। हो सकता है ये 9:20 पे मारा हो लो, हो सकता है 9:25 पे मारा हो सकता है 9:29 पे मारा हो। सो ओपन का प्राइस जब भी क्लोजिंग के प्राइस से छोटा, क्लोजिंग का प्राइस जब भी ओपन के प्राइस से बड़ा होगा, क्लोजिंग का प्राइस यानी कि 9:30 का प्राइस, ओपन का प्राइस यानी 9:15 का प्राइस, तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। देखते हैं रेड कैंडल कब बनती है। चार चार कंपोनेंट्स हैं, ओपन, लो, हाई, क्लोज। ठीक, ओपन का प्राइस जो है इस केस में कितना है, 96, यानी कि ओपन आपका 9:15 पे कैंडल हुई है कौन, उसमें प्राइस है 96 रुपीज का। ठीक, ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम 9:15
9:30 उसने हाई भी मारा, 100 rupees का हाई मार सकता है, जैसे किस एग्जांपल में भी रखा है, तो 100 rupees का इसने हाई मार दिया, लो भी मारा ड्यूरिंग द डे, तो 90 rupees का उसने लो मार दिया। और जब क्लोज हुई, जब क्लोजिंग का प्राइस हुआ, यानी कि 9:30 का जो प्राइस है वो प्राइस 9:15 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, इस दौरान में मंदेरी यानी कि बियर्स हावी रहे बुल्स पे, सो कैंडल का कलर क्या हुआ, रेड। अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स देखेंगे, किस तरीके से का कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं वो सब चीज देखेंगे, बट अंडरस्टैंड करना ये जरूरी है कि कैंडल का कलर क्या बनता है, कैंडल बनती कैसे है। सो जस्ट टू रिपीट इन द 30 सेकंड्स, हम क्या देखा, चार कंपोनेंट्स होते हैं, ओपन लो, हाई क्लोज, कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट्स, 1 मिनट, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ठीक है। ओपन प्राइस जो होता है वो उस कैंडल का, जो जैसे आपने 9:15 पे देखा, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओपन प्राइस, जो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लोजिंग प्राइस, वो आपने 15:30 कैंडल को 9:30 पे जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो आपका क्लोजिंग रहेगा। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से बड़ा है, दैट मींस गुड्स जीत गए, तो उस केस में ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से छोटा है तो बियर्स जीत गए, तो उस केस में रेड कैंडल बनेगी। सो दिस इज कॉल्ड द कांसेप्ट ऑफ द कैंडल्स। सो कैंडल कैसे बनती है, हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। हमने चार कंपोनेंट देखे थे कैंडल में, ओपन, लो, हाई, क्लोज। किसी भी टाइम ड्यूरेशन के दौरान पे कोई भी कैंडल बनती है, 9:15 से अगर हम 15 मिनट की कैंडल की बात करें तो 9:15 से लेकर 9:30 तक बनेगी वो कैंडल, करेक्ट। 9:15 पे जो प्राइस होगा उसको कहेंगे ओपन प्राइस, करेक्ट। जो 9:30 का प्राइस होगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग प्राइस, और ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो भी आपका हायर लो लगता है उसको बोलते हैं एच, या हाई और लो। अब कैंडल कुछ इस तरीके से बनी है, अगर हम देखते हैं तो इसको बोलते हैं हम बॉडी, करेक्ट, इसको हम बोलेंगे बॉडी, इसको हम बोलेंगे विक्स, विक, या फिर हम बोलते हैं इसको शेडो। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे, कौन सी कैंडल्स हैमर बन रही है, कौन सी डॉजी बन रही है, तो उसमें विक और शेडो का वर्ड, ये दो वर्ड आपको, शेडो एंड बॉडी, इसको याद रखना है, और इसको लेके ही हम आगे बढ़ेंगे जब आगे देखेंगे क्लासेस में।